दोस्तों, रिश्ते तो बस रिश्ते होते हैं, ये कभी फूल से तो कभी दिल से बंध जाते हैं। इसे यूं शाख से तोड़ा नहीं करते, ये जीवन की बगिया है, इसे भावनाओं से सींचते रहना चाहिए। ये है तो बाहर आती है खुशियों की, जब ये बोझ बन जाया करते हैं तो जीवन के रास्ते वीराने से लगने लगते हैं। मैं कुमार अभिषेक ग्रेट एको वॉइस ओवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। रिश्ते जीने का संबल, जीने का सबब, एक सहारा, या यूं कहे कि एक साथ। रिश्तों को शब्दों के दायरे में परिभाषित नहीं किया जा सकता, उन्हें तो सिर्फ भावनाओं में महसूस किया जा सकता है। लेकिन बात आजकल के रिश्तों की करें तो उनमें ना भावनाएं होती है और ना ही ताउम्र साथ निभाने का मादा, क्योंकि आज रिश्ते जरूरतों और स्वार्थ पर निर्भर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि रिश्तों में बेहिसाब बोझ बढ़ते जा रहे हैं और हर रिश्ता बोझिल होता जा रहा है। ऐसे में इनके कारणों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, रिश्तों में बोझ होने की सबसे बड़ी वजह है कि रिश्ते अब दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, रिश्ते मजबूरी बन चुके हैं। रिश्तों में स्वार्थ सबसे ऊपर हो चुका है, रिश्ते भावना विहीन हो रहे हैं, मशीनी हो रहे हैं, एहसास संवेदना गायब हो रही है, हमसे ज्यादा मैं की सोच हावी हो रही है। किस तरह का बोझ है ये और क्यों बोझिल होते जा रहे हैं ये रिश्ते? लोग जिम्मेदारियों से डरने लगे हैं और इन्हें निभाने से कतराते हैं, इन्हें लेने से बचते हैं। हर किसी को लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दे और खुद सिर्फ अपने लिए जिए। जहाँ इस तरह की सोच पनपने लगती है वहाँ रिश्ते बोझिल ही लगते हैं। लोग कमिटमेंट से बचना चाहते हैं क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि इन रिश्तों को वो कब तक निभा सकेंगे और ना जाने कब वो रास्ता बदल दे। लोगों का स्वार्थ इस हद तक बढ़ चुका है कि वो वही रिश्ता निभाना चाहते हैं जिन रिश्तों से उन्हें किसी तरह का कोई फायदा हो। अगर पार्टनर से कोई फायदा होता नजर नहीं आता तो वो उसको छोड़ दूसरे का दामन थामने से भी नहीं कतराते। इसी तरह अगर माता पिता भाई बहन से भी लगाव नहीं है तो वो भी उन्हें बोझ लगने लगते हैं और वो उनसे भी दूरी बनाने लगते हैं। आर्थिक तंगी भी रिश्तों में बोझ बढ़ाती है और इस वजह से रिश्ते और बोझिल लगने लगते हैं। पैसा सबकी जरूरत है दोस्तों, और पैसों की तंगी से रिश्तों में भी मन मुटाव होने लगते हैं, तनाव बढ़ता है और सारे रिश्ते बोझिल ही लगने लगते हैं। इस कंपटीशन के दौर में करियर को ऊपर ले जाना, वर्क और होम लाइफ को बैलेंस करना आसान नहीं है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनके रिश्तों में बोझ बढ़ता जाता है। सामाजिक दबाव का बोझ, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ समाज और आसपास के लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचा जाता है। ऐसे में हम चाहकर भी अपने मन का नहीं कर पाते क्योंकि हर बात और हर निर्णय पर हमको यही समझाया जाता है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता या फिर लोग क्या कहेंगे। इस तरह के माहौल में जाहिर है दम घुटता है और हर बात बोझिल सी लगती है। आज की तारीख में कुछ हो ना हो स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है, और जब से सोशल मीडिया की हमारी लाइफ में एंट्री हुई है तब से तो यह बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई इसी होड़ में रहता है कि हमारी लाइफ कितनी कुल है, दूसरों को दिखाने के लिए अब हर चीज होती है, ब्रांडेड मोबाइल से लेकर हर बात का सेलिब्रेशन जैसे बस दिखावे की चीज ही बनकर रह गई। हर वक्त खुश और हैपनिंग लाइफ का टैग लेकर घूमना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। दोस्तों, ये तमाम चीजें रियल लाइफ रिश्तों को खोखला बनाती है और आप उन्हें भूलकर डिजिटल रिश्तों की नकली दुनिया में खोते चले जाते हैं। आप खुश हो ना हो, लेकिन आज की तारीख में आपका खुश दिखना जरूरी है क्योंकि किसी को फुर्सत भी नहीं आपके दुखों को जानने और समझने की। ऐसे में मन ही मन में घुटने के बाद भी आपको ढोंग करना पड़ता है कि आपकी जिंदगी बेहद हसीन है, ये भी एक प्रकार का बोझ ही है। पार्टनर या अन्य सदस्य जब साथ ना दे और सारी जिम्मेदारी किसी एक पर आ जाए, जिम्मेदारी निभाने के बावजूद तारीफ या सहयोग ना मिले, अपना दाव कुछ भूलकर भी अपने रिश्तों को सब कुछ देने के बाद भी
किसी का सहयोग ना मिले, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होने पर भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जिससे रिश्तों में बोझ बढ़ता है। अपनों से ही सम्मान ना मिलने पर भी बहुत कुछ बदल जाता है। आपको निर्णय लेने की आज़ादी ना हो या आपकी राय को अहमियत ही ना दी जाए, तब भी बोझिल लगता है हर रिश्ता, और तभी रिश्तों के बोझ से इंसान दबता चला जाता है। तो फिर क्या किया जाए कि रिश्ते बोझिल ना लगे? दोस्तों, कम्युनिकेट करना किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे अहम है। बात ना करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं, इससे परेशानी और बढ़ेगी। बेहतर होगा आपसी बातचीत से मन का बोझ हल्का करें, अपनी परेशानियों को अपनों से साझा करें, उनकी परेशानियों को जानें, स्वार्थी ना बने। रिश्तों में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जाता, रिश्तों का मतलब ही है एकजुट होकर सबके लिए सोचना। स्वार्थ की भावना भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी दे, लेकिन आगे चलकर आप एक कदम अकेले पड़ जाएंगे। स्वार्थ छोड़कर देखें, आपको अपने रिश्ते ही इतने प्यारे लगेंगे कि बोझ अपने आप हल्का होने लगेगा। शेयरिंग की भावना से रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। सुख दुख हो, कामयाबी या असफलता, सब कुछ शेयर करें। इससे आपकी खुशियाँ और हौसला दोनों बढ़ेंगे और रिश्ते बोझ कम, संबल अधिक लगेंगे। जिम्मेदारियाँ साझा करें, जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उन्हें साझा करें। रिश्तों में सबकी जिम्मेदारियाँ बनती है और जो कुछ भी निभाना होता है मिलकर ही बेहतर तरीके से निभाया जा सकता है। सामने से खुद आगे बढ़कर कहे कि यह काम मुझ पर छोड़ दे, फिर देखिए रिश्तों से बोझ अपने आप कम होगा और रिश्ते बोझिल नहीं, प्यारे लगेंगे। घर या बाहर दोनों जगह का काम बांट ले, सब मिलकर करेंगे तो जिंदगी और रिश्ते दोनों आसान लगने लगेंगे। जो काम आप बेहतर कर पाए वो आप ले और दूसरों को भी उनकी क्षमता के अनुसार काम दे। आर्थिक जिम्मेदारियों का भी बंटवारा हो। आप अगर यह सोच रखेंगे कि मैं अपने पैसे बचा लूं और सामने वाला ही अकेला खर्च करे, तो यह सही नहीं। आपको कुछ खर्चों की जिम्मेदारी खुद ब खुद खुशी खुशी लेनी चाहिए। इससे अपनापन बढ़ेगा और रिश्ते बोझ नहीं लगेंगे। दिल को खुला रखें ताकि जिंदगी जी खोल के जी सके। अगर आपको किसी चीज की कमी भी होगी तो अपनों के साथ वो कमी महसूस नहीं होगी, चाहे पैसों की कमी हो या सुविधाओं की। अगर अपने साथ है तो जिंदगी की राह आसान हो जाती है। अगर आप अपने रिश्तों का ख्याल रखेंगे तो बुरे समय में रिश्ते आपका ख्याल रखेंगे। नुकसान के तराजू में रिश्तों को ना तोले। रिश्तों में कभी कभी फायदा या नुकसान की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दोस्तों, रिश्तों को सिर्फ प्यार से ही सोचा जा सकता है, वरना हर रिश्ता बोझ ही लगेगा। किसने क्या किया, इस सोच से ऊपर उठकर यह सोचे अपनों को कैसे और करीब लाया जाए। चीट ना करे, सबको सम्मान दे। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। चीटिंग की रिश्तों में कोई जगह नहीं होती। पार्टनर को धोखा ना दे। घर में भी सबकी राय को महत्व दे। सबसे राय ले, किसी को कम न आंके। कई बार एक बच्चा भी बड़ी से बड़ी समस्या का आसान रास्ता सुझा देता है। और हाँ, ईगो तो बिल्कुल भी ना रखे। अहंकार हर रिश्तों को मिटा देता है। अपनों से भला कैसा ईगो। खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को मूर्ख समझने की गलती ना करें। आप अकेले रहेंगे तो बोझ बढ़ेगा। बेहतर है सबको साथ लेकर चले। नकारात्मक सोच और भावनाओं को त्याग दे। धन्यवाद।